अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे लखनऊ की बहुत ही फ़ेमस नली नहारी की रेसिपी तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद इस रेसिपी का पूरा राज पूरा ऑथेंटिक तरीक़ा आपको मिलने वाला है और आप भी अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बाजार जैसी नली नहारी की रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं घर में तो आइए बनाना शुरू करते हैं इस लाजवाब बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी को जो लखनऊ की बहुत ही फेमस है और तो आपकी भी रेसिपी एकदम ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट बने इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि इसमें जो भी ज़रूरी टिप्स बताए जा रहे हैं वो आपसे मिस ना हो और आपकी रेसिपी ऐसी परफेक्ट बने ऐसी लाजवाब बने कि बस आप भी खुश हो जाएँ और आपके घर वाले भी तो आइए बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें तो यहाँ पे गोश्त और नली को पकाने के लिए हमने कुकर का यूज़ किया है लेकिन आप चाहें तो खुले पॉट में भी बना सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा यहाँ पे 600 ग्राम हमने बोंग का गोश्त लिया है जो स्पेशल नहारी के लिए ही होता है ज़्यादातर नहारी इसी गोश्त में ही हमेशा बनाई जाती है और इसके साथ हमने दो नलियाँ ली हैं तो आधा किलो छः ग्राम में दो से तीन नलियाँ का यूज़ कर सकते हैं और एक किलो में करीब पाँच से छः अब इसमें एक टेबल स्पून नमक वन टी हल्दी और दो से तीन यहाँ पर हमने दालचीनी के स्टिक लिए हैं इसके अलावा तीन चार हमने इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देना है इसके बाद इसमें हम सौफ़ और धनिया ऐड करेंगे इसे चाहे तो आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं लेकिन हम इस तरह से खुला ही ऐड कर देंगे बाद में छान लेंगे तो यहाँ पे तीन टेबल स्पून हमने धनिया ली है और टू टीस्पून हमने यहाँ पे सौंफ ली है अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अच्छे से पानी ऐड करना है तकरीबन दो लीटर क्योंकि इसे काफ़ी देर तक पकाना है और अब इसमें एक छोटे साइज़ के स्लाइस कटी हुई प्याज और छः सात लहसुन की कलियाँ भी हमने इसमें ऐड कर देनी है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आपको बोंग का गोश्त ही लेना है क्योंकि बोंग का जो गोश्त होता है वो देर से गलता है जैसे नलियों को टाइम लगता है गलने में पकने में इसी तरह से जो बोंग का गोश्त होता है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है पक गलने में यहाँ पे एक सिटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करके तकर तकरीबन हमने इसे चालीस से पैंतालीस मिनट के लिए पकाना है या फिर आप अपने गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से टाइम देख लीजिएगा यानी कि आपका गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए एकदम हंड्रेड परसेंट इतने देर आपको पकाना है और अब यहाँ पे कुछ साबुत मसालों को इकट्ठा करके हम बनाएंगे एक स्पेशल नहारी मसाला तो देख लेते हैं हम क्या क्या ले रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे एक बड़ा फूल जावित्री का और वन टी हम यहाँ पर लेंगे ज़ीरा वन टी लेंगे यहाँ पर सॉफ्ट और एक टेबल स्पून ऐड करेंगे साबुत धनिया छः हरी इलायची हमने यहाँ पर लिया है चार से पाँच लौंग हमने लिया है एक दालचीनी का छोटा सा स्टिक है इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जायफल का पीस है जो तकरीबन दो हरी इलायची के बराबर एक बड़ी इलायची है दो यहाँ पे हमने पीपली लिए है जो कि नहारी के लिए बहुत ही मेन खास होती है पंद्रह दाने हमने कबाब चीनी के लिए हैं जो काली मिर्च जैसी होती है पंद्रह से बीस दाने ही हमने यहाँ पर काली मिर्च के लिए हैं एक तेजपत्ता हमने लिया है मीडियम साइज़ का इसके अलावा यहाँ पे देखिए अब हम लेंगे ज़रूरी चीज़ पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे है ये सोंठ पाउडर जो कि लिया है एक टेबल स्पून ये दो टी हमने यहाँ पर लिया है पीली मिर्चों का पाउडर अगर आपके पास ये नहीं है तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है अब इसमें हम ऐड करेंगे दगर फूल जो कि बहुत थोड़ा सा हमने लिया है इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब है ये छोटा छोटा टुकड़ा है और यहाँ पे हमने दो टेबल स्पून लिया है गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ तो ये सारे खास मसाले हैं इनको अच्छा सा एकदम फाइन सा पाउडर बना लेंगे इसके बाद इसी ग्राइंडर जार में पाँच छः टेबल स्पून ऐड करेंगे भुने हुए चने और इनका भी फाइन पाउडर बना लेंगे तो जो भुने हुए बेसन में जायका आता है उसके मुकाबले भुने हुए चने के आटे का ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है तो मुमकिन हो तो आप ऐसे ही ऐड कीजिएगा अब एक अलग पॉट में डेढ़ सौ एम करीब हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है मस्टर्ड ऑयल में इसका ज़ायका अच्छा आएगा वैसे आप चाहें तो दूसरा कोई ऑयल ले सकते हैं अब मस्टर्ड ऑयल को साफ़ करने के लिए तीन टेबल स्पून पानी में हमने वन टी नमक को अच्छे से घोल लिया है थोड़ा सा इसमें पानी हमने डाला तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब और जल्दी से हमने ढाल दिया ताकि इसके छीटे ना उड़े और जब तक इसके पानी की से इस तेल में आवाज़ आती रहे तब तक इसे हमने कवर रखना है और जैसे पानी की आवाज़ ख़त्म हो जाए दोबारा से बचा हुआ पानी ऐड कर देना है तो इस तरह से दो से तीन बार ऐसे करेंगे तो इसका जो है जो भी कच्चा फ्लेवर है ऑयल का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और ऑयल एकदम मतलब एक तरह से रिफाइंड हो जाता है अच्छा सा इसमें जायका भी आ जाता है और एकदम वाइट जैसा हो जाता है कलर बहुत लाइट हो जाता है अब इसमें हमने चार पाँच हरी इलायची और लौंग डाल दिया और एक मीडियम साइज़ की स्लाइस का टी प्याज डाल के इसे सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे तो नहारी में जो ऑयल को साफ़ करने का प्रोसेस ज़रूर किया जाता है उससे नहारी में जायका बहुत ही अच्छा आता है तो थोड़े से लहसुन के पानी के साथ या फिर नमक के पानी के साथ आपने ऑयल को अच्छे से साफ़ करना है यहाँ पे देखिए प्याज इस तरह से हल्की सुनहरी हो गई है अब एक मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है और इसे डाल के भी हमने मीडियम हीट पे भूनना है जब तक कि प्याज का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट भी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कच्ची प्याज होती है फ्राई प्याज होती है दोनों का ही अपना जयका फ्लेवर होता है देखिए यहाँ पर प्याज का पानी खुश्क हो गया है ऑयल अलग हो गया एकदम तब इसमें हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को हमने भूनना है थोड़ा पानी ऐड करने के बाद अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है तो यहाँ पे तकरीबन तीन टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है यहाँ पे हमने थोड़ा पानी ऑलरेडी ऐड किया था अब अच्छे तरह से इसे मिला देंगे इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से पाउडर मसाले तो एक टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर एक टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और जो हमने ये नारी मसाला तैयार किया था पूरा इसमें आधा किलो के हिसाब से ये पूरा है पूरा इसमें ऐड कर देंगे अब देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दो से तीन बार इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे तो भुनाई का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे चार पाँच टेबल स्पून दो से तीन बार और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे हीट को मीडियम रखेंगे ताकि मसाले एकदम जले नहीं इस तरह से देखिए हमने थोड़ा पानी डालना है और इसे अच्छे से भूनना है और इस तरह से मीडियम हीट पे लगातार इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आप भूनिएगा दो मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देंगे ताकि आयल एकदम सरफेस पे आ जाए एकदम अच्छे से मसाला आयल छोड़ दे हीट को यहाँ पर हमने लो रखा था देखिए तो खोल देने के बाद देखिए ऑयल अलग हो गया है और मसाला अच्छे से भून गया है यहाँ पे देखिए कुकर को भी हमने खोल लिया है गोश्त को चेक कर लेंगे तो 90 परसेंट से ज़्यादा ही यहाँ पे गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो ये अभी और खुला भी बहुत देर तक पकेगा तो ये देखिए सही है इसको बस इतना ही गला लेना है अब यहाँ पर गोश्त की पीसेस हमने अलग करके रख लेना है मसाला जब अच्छे से भून गया है ना देखिए बिल्कुल अच्छे से भून गया है एकदम ऑयल अलग हो गया है तो पानी में से निकाल के जितनी हमारी ये बोंग के गोश्त की पीसेस हैं वो हमने डाल देना है सिर्फ जो हड्डियाँ हैं नलियाँ हैं उन्हें हमने रोक लेना है और अब डेढ़ से दो मिनट के लिए इनको हमने मसाले के साथ भून लेना है मीडियम हीट पे जब ये थोड़े से भून जाए तब हम इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे ज़्यादा दही नहीं ऐड करना है बस तो चार पाँच टेबल स्पून के करीब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही ऐड करके भी हमने इसे अब मीडियम हीट पर दो से तीन मिनट के लिए दोबारा से भून लेना है अच्छे से ऑयल बिल्कुल छोड़ दे मसाला देखिए कितना अच्छे से मसाला बिल्कुल ऑयल छोड़ चुका है और इस पॉइंट पे अब हमने क्या करना है जो यखनी हमने अभी बचा के रखा है रोक के उसे हमने इस तरह से छान के इसमें ऐड कर देना है अच्छी तरह से इस पर चूल्हे से चला के इसका पूरा फ्लेवर पूरा जूस इस तरह से निकाल के जो तो ये मसाले हैं इन्हें हटा देना है अब अभी थोड़ा ज़्यादा सा पानी और ऐड कर लेना है तकरीबन हाफ़ लीटर तो यखनी थी अब तकरीबन डेढ़ लीटर और इसमें पानी तक, मतलब कि टोटल दो लीटर के करीब इसमें हमने पानी ऐड कर देना है क्योंकि ये अभी काफ़ी देर आधी घंटा तो और खुला भी पकेगा तो पानी और जल जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन दो लीटर पानी आपको ऐड कर देना है क्योंकि काफ़ी देर पकने के अलावा इसमें हमने अभी बेसन और मैदे का घोल भी ऐड करना है उससे ये गाढ़ा हो जाएगा तो फुल आँच पे आप इसे पकने के लिए रख देना है जब इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए उसके बाद हीट को लो टू मीडियम करके तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ही तकरीबन चालीस मिनट तक आप इसे स्लो हीट पर पकाएंगे तो ये नहारी है जितनी देर स्लो हीट पर पकती है उतना ही अच्छा सा इसमें जायका आता है स्लो हीट पर यह काफ़ी देर तक पक चुकी है और एकदम अच्छा सा खूबसूरत सा रोगन भी ऊपर आ गया है तो अब क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे जो इसका रोगन है हमने इसे सेपरेट कर लेना है तकरीबन एटी फाइव सेवेंटी टू एट्टी परसेंट तक रोगन हमने इसमें से पूरा अलग कर लेना है थोड़ा बहुत रह जाएगा उसे रहने दें इसके बाद यहाँ पे देखिए जो बेसन है इसमें एक टेबल स्पून ऐड करना है हमने मैदा और चार पाँच टेबल स्पून पानी के साथ इसका लम्स फ्री अच्छा सा एक घोल तैयार कर लेना है इस घोल को हमने इसमें डाल देना है अच्छी तरह से चला देना है हीट को यहाँ पर मीडियम रखना है और देखिए यहाँ पे इतना पतला ये होना चाहिए देख सकते हैं आप अब इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हीट को लो टू मीडियम करके दोबारा से इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए ताकि जो भी इसमें हमने मैदा और बेसन डाला है वो अच्छी तरह से सालन में पक जाए और थोड़ी सी थीकसी ग्रेवी हो जाए तो ये लखनवी नहारी है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है जैसे दिल्ली वाली नहारी होती है वो काफ़ी गाढ़ी होती है ये मीडियम सी होती है तो देखिए इस तरह से देखिए इतनी गाढ़ी है ये पक के तैयार है अब इसमें क्या करना है वम्स भी ऐड कर देना है इस पॉइंट पर अब इसमें एक लेमन जूस हमने इसमें ऐड कर देना है इसके बाद यहाँ पे एक टेबल स्पून हमने ऐड किया था रोज़ वाटर और वन टीस्पून ऐड किया था केवड़ा वाटर इसके बाद हमने इसमें मीठे इत्र की तीन चार बूंदे भी ऐड की थी वो हम आपको दिखा नहीं पाए और इसके अलावा लजत ता भी हाफ टी स्पून हमने ऐड किया था तो ये दोनों चीज़ें भी इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं माजरत चाहते हैं सीन भी सोजाने के वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए तो मुमकिन हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा तो बस दो मिनट ढक के हमने इसे छोड़ दिया था उसके बाद देखिए रेसिपी सारी चीज़ों की फ्लेवर अब और भी अच्छे से इसमें अच्छे से आ गया है तो बस इस पॉइंट पे अब ऊपर से थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे अच्छे से मिलाएंगे और कवर करके बस दो से तीन मिनट के लिए लो हीट पे और पका लेंगे तो बस दो तीन मिनट हो चुके हैं यहाँ पर अब हीट को बंद कर देते हैं और सर्व कीजिए इंजॉय कीजिए मज़ेदार सी लखनऊ की लखनऊ की स्पेशल औरिजिनल नहारी जो देखने में भी एकदम सेम टैमटिकसर लुक है यूलिश कलर लिए हुए और जायका और खुशबू भी सेम है जब आप बनाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे इन तो अलहमदल बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी बनती है इस रेसिपी को आपने कभी ट्राई नहीं किया जो यखनी के साथ बनाई जाती है औरजिनल ऑथेंटिक रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अपनी पसंद की रोटी चपाती नान के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ पे सर्व करने के बाद जो बचे हुए रोगन है उसे आपने ऊपर से इस तरह से डाल देना है और कटे हुए लेमन अदरक और कटी हुई हरी मिर्च के साथ आपने इसे सर्व करना है चाहे तो थोड़ी सी फ्राई प्याज भी ऊपर से आप डाल सकते हैं क्योंकि फ्राई प्याज भी इसके साथ सर्व की जाती है तो ज़रूर बनाएँ और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस शेयर करें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़